वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज सबनास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे आई एम अप विद अ ह्यूज नाइका हॉल। ह्यूज इसलिए बिकॉज़ नाइका पे चल रही है इस टाइम पे पिंक फ्राइडे सेल, तो प्रोडक्ट्स में ना ऑफर बहुत 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 अच्छे मिल रहे थे, तो मुझे जो भी अभी चाहिए था या फ्यूचर के लिए चाहिए था वो सब मैंने स्टॉक कर लिया बिकॉज मेरे थोड़े से पैसे बच चुके। सो आई डोंट नो जब तक ये वीडियो लाइव होगी सेल लाइव होगी या नहीं, बट अगर आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन पसंद आती है ना, उन्हें परचेस करना चाहते हो, तो आप उन प्रोडक्ट को विशलिस्ट कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि आगे जो भी सेल आए, अच्छे ऑफर्स मिले, तो आप उन्हें परचेस भी कर सकते हो, बिकॉज सेल ना थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ ऑफर्स एंड सेल चलती ही रहती है। आई हैव इंक्लूडेड हेयर केयर, बॉडी केयर, स्किन केयर एंड मेकअप, सो आई एम श्योर दिस नाइका हॉल विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। प्रोडक्ट्स के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड नीचे ही आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब का बटन, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के हॉल के साथ, लेट्स गेट स्टार्ट। ले रहे हमारे सारे डब्बे मुझे आज जाकर ना, आज सुबह ही सारे प्रोडक्ट रिसीव हुए, तो मैंने ना ये बिल्कुल नहीं खोला है अभी, तो आज इस वीडियो में अनबॉक्स भी करूंगी इन सारे डब्बों को। तो सबसे पहले ना मैं सारे डब्बे खोल लेती हूँ, अनबॉक्स कर लेती हूँ, देन वन बाय वन मैं आपको सारे प्रोडक्ट का रिव्यू एंड रिकमेंडेशन शेयर करूंगी। सो फर्स्ट लेट्स ओपन द बॉक्सेस। सो डब्बे मैंने सारे अनबॉक्स कर लिए, सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस डब्बे में रख लिए हैं। ये रहे इतने सारे प्रोडक्ट जिनका रिव्यू एंड रिकमेंडेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है बी बॉडी वाइस 1% सैलिसिलिक एसिड बॉडी वॉश। दिस इज SLS एंड पैराबेन फ्री शार जेल। ये 375 ml का प्रोडक्ट है जिसकी MRP तो 499, बट ये मुझे ऑन सेल मिला है 464 का। इसका 250 ml वाला भी पैक आता है जो 350 का था, बट उस पर कोई भी ऑफर नहीं था। सो मेरा फर्स्ट टाइम परचेज है, आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस बिकॉज आई हैव स्ट्रॉबेरी लेग्स प्रॉब्लम, एंड ये क्लेम करता है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डीप क्लेंस करता है, तो आई होप ये इसमें वर्क करे, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस। तो अब बारी हेयर केयर की। हेयर केयर के लिए मैंने तीन प्रोडक्ट परचेज करे, जिसमें से फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है एम केफीन नेकेड एंड रॉ कॉफी हेयर मास्क। ये 200 ग्राम का प्रोडक्ट है। इसको शैम्पू करने के बाद अपने बालों में लगाना है एंड देन 10 से 15 मिनट छोड़ना है, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेना है। ये मुझे कॉस्ट किया था 475 का ऑन सेल, वैसे इसका MRP 599 का। इस पैक के साथ मुझे एक वुडन छोटा सा स्पून भी मिला है, विच इज वेरी क्यूट। सो इट क्लेम्स कि ना ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर नरिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है एंड प्रिवेंट्स हेयर ब्रेकेज। तो मेरे ना हेयर फॉल काफी ज्यादा बढ़ चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक बार ट्राई किया जाए। मैंने आज से पहले से नहीं ट्राई किया, तो ये भी मेरा फर्स्ट ट्रायल होगा। एंड दिस मास्क इज SLS एंड पैराबेन फ्री। मेक श्योर आप बालों के लिए कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो ना, तो SLS एंड पैराबेन फ्री होना चाहिए। सो मुझे इस हेयर मास्क पे तो अच्छा डिस्काउंट मिला ही है, बट इसके साथ साथ मुझे एक प्रोडक्ट भी फ्री मिला है, वो है ये एम कैफीन का ही नेकेड एंड रिच चोको लिप स्लीपिंग बटर, जो कि आपको 24 आवर्स के लिप मॉइस्चराइजर प्रोवाइड कराता है एंड इसका MRP 400 रुपए का। तो लाइक मुझे तो ये अच्छी डील लगी काफी, एंड ये काफी ज्यादा मेरे लिए ना हेल्पफुल भी रहा है परचेज करना ये हेयर मास्क। सो द नेक्स्ट हेयर केयर प्रोडक्ट है वो है गार्नियर फ्रुक्टिस हेयर फूड इन द वेरिएंट बनाना। दिस हेयर मास्क इज फॉर ड्राई हेयर। ये 390 ml का प्रोडक्ट है। इसकी MRP 725 rupees है, बट ऑन सेल मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिला, विच इज 508 rupees, सो आई बॉट दिस। इसमें आपको ना चार वेरिएंट्स मिल जाते हैं, बट मैंने बनाना वाला ऑर्डर करा बिकॉज इट इज फॉर ड्राई हेयर एंड विंटर के लिए मुझे ये सही लगा था, लाइक विंटर में ड्राई हेयर की प्रॉब्लम हो ही जाती है। एंड ये क्लेम करता है आपको 3x एक्स्ट्रा नरिश्ड हेयर प्रोवाइड कराएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे हेयर मास्क की लगी ना, वो लगी कि आपने इसको 3-in-1 वेज में यूज कर सकते हो, लाइक एज अ कंडीशनर जैसे शैम्पू करने के बाद एज अ कंडीशनर से अप्लाई कर सकते हो, एज अ हेयर मास्क लाइक आपको अगर डीपली नरिशमेंट चाहिए तो आप इसको एज अ हेयर मास्क भी यूज कर सकते हो। एंड द थर्ड वन इज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है लिव इन कंडीशनर, लाइक अपने बाल वाल धोने के बाद जस्ट अपने बालों में थोड़ा सा इसे लगा लो, जिससे कि ना आपके फ्रिज पे हेयर से बच सकते हो। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा सुना है, सो आई होप ये अच्छा वर्क करे मेरे बालों के लिए। द नेक्स्ट हेयर केयर प्रोडक्ट है वो एक शैम्पू लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का आर्गन ऑयल शैम्पू। ये 400 ml का पैक है। इसका MRP 650 rupees, बट ये मुझे ऑन सेल 423 rupees का मिला। इसका 200 ml वाला भी पैक आता है जिसका MRP है 350 rupees, बट वो आपको 250 के आसपास मिल जाएगा। तो मेरा थर्ड टाइम परचेज है, फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे यूज करा ना उसके बाद से मैं किसी और शैम्पू पे स्विच कर ही नहीं पाई बिकॉज ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आया। ये आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाता है, स्मूदर बनाता है, मैनेजेबल बनाता है, सिल्की एंड शाइन सब कुछ बनाता है। लाइक जब अपने बालों में शैम्पू करने के बाद चीजें ढूंढते हो ना जो चाहते हो, वो ये सारी चीजें करता है। डज अ ग्रेट जॉब टू योर हेयर एंड इसे मैंने थर्ड टाइम इसीलिए परचेज करा एंड इट हैज नो पैराबेन, नो सल्फेट एंड 100% वीगन। सो आई हाईली रिकमेंड दिस शैम्पू, आंख बंद करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं, हाईली रिकमेंड दिस। नेक्स्ट एंड द लास्ट हेयर केयर प्रोडक्ट है वो है वुडन कॉम्ब, जो कि है वेगा का। वुडन कॉम्ब मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड मेरे पास है भी, बट वो थोड़ा बड़े साइज में है। मैंने इसलिए परचेज किया बिकॉज ये बहुत छोटू सा एंड कंपैटिबल सा है, ये आपके हैंडबैग में आ जाएगा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसे इजीली ना कैरी कर सकते हो। एंड वुडन कॉम्ब ना अगर आप लोगों ने अभी तक वुडन कॉम्ब में स्विच नहीं किया
बताया तो आप स्विच कर सकते हैं, ये वाला परचेज कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी कंपेटेबल। वुडन कॉम्ब आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और आपका जो ऑयल प्रोडक्शन होता है ना अपने पूरे बालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो इट डज अ ग्रेट जॉब। सो बॉडी केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, अब बारी है स्किन केयर की। सो स्किन केयर में मेरे पास आप लोगों के लिए 5 रिकमेंडेशन है। जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनिंग सॉल्यूशन। ये 240 ml का पैक है जिसकी MRP 950 रुपीज और ये मुझे 950 रुपीज का ही मिला, इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था। ये टोनर क्लेम करता है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा माइल्डली एंड आपके स्किन टेक्सचर को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा, एक रेडियंस प्रोवाइड कराएगा एंड इसके काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज सुने थे मैंने, तो मैंने इसे परचेज किया। आई होप ये मेरे लिए भी अच्छा वर्क करे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी सेम ब्रांड द ऑर्डिनरी का, ये वो द ऑर्डिनरी का रेटिनॉल 0.5% सीरम। ये 30 ml का पैक है जिसकी MRP 700 रुपीज एंड मुझे 700 का ही पड़ा। रेटिनॉल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना, बेसिकली एंटी एजिंग, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस में अच्छा वर्क करता है, तो मैंने अपनी मम्मी के लिए परचेज करा है। आई होप ये उनके लिए अच्छा वर्क कर पाए। एंड इसके साथ ना मुझे, मैंने दो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट परचेज करे थे तो मुझे उसके साथ एक प्रोडक्ट फ्री भी मिला है। द ऑर्डिनरी का नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर प्लस HA, ये 30 ml का पैक है जिसकी MRP 550 रुपीज, तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट दोनों के साथ फ्री मिला। ये क्लेम करता है कि ये आपको ना इमीडिएट हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है, काफी अच्छी आपकी स्किन को ना हाइड्रेटेड बनाता है। सो आई गॉट 3 द ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ ओनली 2 प्रोडक्ट्स। सो द नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट है वो है लॉरियल पेरिस की ग्लाइकोलिक ब्राइट रेंज। तो इसका मैंने परचेज करा है एक क्लींजर, फोमिंग क्लींजर, जिसका MRP 329 रुपीज, बट ये मुझे कॉस्ट किया 247 का 100 ml का। देन सेकंड वन इज इसका सीरम जो कि 30 ml का है जिसका MRP 749, बट ये मुझे कॉस्ट किया था 560 रुपीज का ओनली। सो ये रेंज ना लॉरियल ने अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च करी थी एंड जब ये लॉन्च हुई थी ना तो ब्रांड ने मुझे खुद से इनके प्रोडक्ट भेजे थे ताकि मैं इन्हें टेस्ट कर सकूं एंड इनका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है अपने चैनल पे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, चेकआउट कर लेना। चेकआउट करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर मैंने इनको दोबारा परचेस करा है तो इन्होंने सच में कुछ अच्छा वर्क करा ही होगा, तो आप इसका रिव्यू वहां पे जान सकते हो एंड इन्हें परचेस कर सकते हो, शायद ये आपको हेल्प कर सके। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है फॉर लिप केयर। तो लिप केयर के लिए मैंने डॉट एन की के 2 प्रोडक्ट ऑर्डर करे हैं, 2 इसलिए बिकॉज बाय वन गेट वन ऑफर था। तो मैंने एक परचेस करा है लिप प्लम्पिंग स्लीपिंग मास्क विटामिन C+C एंड सेकंड वन इज ग्लॉस बॉस जो कि एक टिंटेड लिप ग्लॉस है। स्लीपिंग मास्क की MRP 295 एंड इसकी 245, तो 300 रुपए में मुझे दोनों प्रोडक्ट मिल गए जो कि मुझे काफी अच्छी डील लगी। तो अगर हम बात करें इस वाले लिप स्लीपिंग मास्क की, तो इसमें ना बहुत ही छोटू सा ऐसा डब्बा मिल जाता है। मैंने ना लिप स्लीपिंग मास्क अभी तक यूज नहीं किया है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि लिप स्लीपिंग मास्क लिप बाम से कैसे अलग होता है। ये 15 ml का पैक है, इसका 21 ml वाला भी आता है। तो ये क्लेम करता है आपके लिप्स को इंटेंसली हाइड्रेशन प्रोवाइड कराएगा, 2x प्लम्पर लिप्स बनाएगा एंड आपके लिप्स को लाइटन भी करेगा एंड की स्मेल भी बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रूटी फ्रूटी से स्मेल है। जो दूसरा था वो था ये ग्लॉस बॉस जो कि एक टिंटेड लिप बाम है विद SPF 30 विटामिन C+A। इसमें मैंने वेरिएंट परचेस करा है चेरी पॉप, इसमें आपको 12 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है, इसमें 4-5 वेरिएंट भी आते हैं एंड इसका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। आई एम वेटिंग कि मैं इसे ट्राई करूँ जल्द से, अभी मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता सकता। ये दोनों चीजें ना बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड छोटू सी कंपैटिबल सी, आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दीज। तो फाइनली अब बारी आ चुकी है मेकअप की। तो मेकअप में मैंने ना नायका के ही 4 प्रोडक्ट ऑर्डर करे हैं एंड चारों पे तो मुझे अच्छा डिस्काउंट मिला ही मिला है। इसके साथ साथ मुझे फ्री मिली है ये वाली नायका की ही लिपस्टिक। सो मैंने मंगवाया नायका का ये ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, एक ये मिनी छोटू सी आई शेडो पैलेट एंड एक छोटू सा फाउंडेशन नायका का एंड एक छोटू सा प्राइमर भी एंड इसके साथ साथ मुझे ये ऑल डे मैट लॉन्ग नायका की लिपस्टिक भी फ्री मिली है। सो ये है इसका नायका ऑल डे मैट 12 hr ऑयल कंट्रोल फेस कॉम्पैक्ट पाउडर विद SPF 15 PA++। इसकी MRP 250 रुपए की बट मुझे ऑन सेल मिला 187 रुपीज का एंड इसमें मेरा शेड है 04 सैंड। इसमें आपको 8 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाता है एंड 7-8 शेड्स भी अवेलेबल है, बाकी से जब यूज करूंगे तब देखते कैसा वर्क करता है। नेक्स्ट है नायका कॉस्मेटिक्स आईज ऑन मी 4-in-1 क्वाड आई शेडो पैलेट इन द वेरिएंट नाइट आउट। इसमें आपको 6-7 शेड मिल जाएंगे, इसका MRP 375 रुपीज बट ये ऑन सेल मुझे 300 के आसपास मिल गया था, बहुत टाइम से लेना था, सेल आई तो मैंने इसे परचेस कर लिया। इसमें आपको मैट्स एंड शिमर दोनों चीजें मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, ट्रेवल फ्रेंडली है एंड गुड फॉर बिगनर। नेक्स्ट है ये नायका का फाउंडेशन छोटू वर्जन, इसमें मेरा शेड है वार्म सैंड 03। मैंने छोटा इसलिए मंगाया बिकॉज एक तो शेड चेक करना था एंड एक बार यूज करके देखना था, अगर मेरे को सही लगेगा तो मैं इसका बड़ा वर्जन भी मंगाऊंगा और इसका मैं रिव्यू आप लोगों से शेयर करूंगी। इसमें आपको 7 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है एंड इसका MRP 149 रुपीज बट मुझे 130 के
आसपास सेल में मिल गया था। नेक्स्ट मैंने नाइका का ही मिनी प्राइमर मंगवाया, इसमें आपको 7 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसका एमआरपी 129 रुपीज, यानी मुझे उतने का ही पड़ा, इसमें कोई भी ऑफर नहीं मिला था। एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि कैसा वर्क करता है। ट्रायल वर्जन के लिए मंगाया मैंने, अगर ये अच्छा लगेगा तो मैं इसका बड़ा पैक भी मंगा लूंगी। 4 नाइका प्रोडक्ट के साथ मुझे लिक्विड लिपस्टिक फ्री मिली है, जो कि ऑल डे मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड सुपर मॉम। इसमें आपको 2.1 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है, इसकी एमआरपी 375 रुपीज, जो कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। तो ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है एंड मुझे पर्टिकुलर शेड बहुत ज्यादा पसंद आया, लाइक आई जस्ट लाइक दिस शेड, बहुत ही अच्छा शेड है ये। अब इसे ट्राई करके देखेंगे। वैसे क्लेम करती है ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है, मास्क प्रूफ है, 12 आर आपके इस लिप्स पे ना टिकी रहती है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मेबलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन के बारे में ज्यादा बात करने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, बिकॉज ये इतना ज्यादा ऑलरेडी फेमस है एंड आप लोगों ने ऑलरेडी से ट्राई किया भी हुआ होगा। तो इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड एंड ये ना मुझे अच्छे प्राइस ऑफर में मिल गया, तो इसे मैंने से परचेस कर लिया। वैसे इसका एमआरपी 325 रुपीज, बट मुझे 211 रुपए का पड़ गया, सो आई बॉट दिस। इसमें आपको 18 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है, तो काफी लंबे टाइम तक चल भी जाता है, लाइक एंड बहुत कंपेटेबल भी हो जाते हैं ये इसे रखना, बिकॉज वो जो बॉटल आती है ना थोड़ी ग्लास की होती है, तो उसे ट्रैवल करने में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मैंने ट्यूब ना जस्ट अपने ट्रैवल के लिए परचेस करी है, ताकि मैं कहीं ट्रैवल करूं तो इसे ले जा सकूं आराम से। नेक्स्ट एंड द लास्ट मेकअप प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू हेवन का काजल। तो ये काजल मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज इस प्राइस रेंज में मुझे इससे अच्छा काजल अभी तक कोई नहीं लगा, मैंने कोई नहीं यूज करा है। अगर आप लोगों ने काजल अभी तक नहीं ट्राई किया ना, तो प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई करना, बिकॉज आपने एक बार ट्राई कर लिया ना तो आई एम श्योर आप इससे जल्दी स्विच नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये ना वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है एंड अप टू 24 आवर्स का स्टे देती है, डीप जेड ब्लैक आपको पिगमेंट देती है एंड हाईली पिगमेंटेड है एंड उसका एमआरपी 90 रुपीज, बट मुझे सेल प्राइस में 60 रुपए के आसपास मिला था, जिसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाता है इसमें 0.35 ग्राम का। तो आई हाईली रिकमेंड दिस काजल, डू गिव इट अ ट्राई। सो गाइस, इसी के साथ हमारा हॉल खत्म होता है। होप आप लोगों को मेरा रिव्यू में रिकमेंडेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।